हाय गाइस गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे एक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए पहले ही आप एक रेफरेंस फ़ोटो लीजिए, उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट करने के लिए पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी और एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसी हेयर की आउटलाइन कीजिए एक पेपर के ऊपर। मैंने यहाँ पर कार्टेज पेपर यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी और भी ब्रांड का पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आउटलाइन किया है बहुत हल्के से, आप देख सकते हैं। और इस ड्राइंग में मैं सॉफ्ट एंड मीडियम चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो किसी भी और भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ दोनों ही चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको सिंगल स्ट्रोक से ड्राइंग स्टार्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं एक एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ ड्राइंग के ऊपर। हेयर बनाने के लिए एक एक स्ट्रोक ही बहुत मायने रखता है। आप हेयर स्ट्रोक लगाना है हेयर के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ स्ट्रोक लगा रहा हूँ हेयर के ऊपर। पेंसिल्स को हमेशा आप शार्प कीजिए, बिकॉज शार्प पेंसिल से ही अच्छी स्ट्रोक लगता है। और स्ट्रोक बहुत ही पतला होना चाहिए, बिकॉज हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से आपको स्ट्रोक लगाना है। किस तरफ हेयर जा रहा है उसके हिसाब से आपको स्ट्रोक लगाना है। उसके बाद मैं फर्स्ट स्ट्रोक के लिए यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। उसके बाद मैं उस एरिया को ब्लेंड कर दूंगा जहाँ पर मैंने स्ट्रोक लगाया। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की नॉर्मल चारकोल पेंसिल। मैं उससे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा, स्ट्रोक लगाऊँगा। आप देख सकते हैं और आप हाइलाइट्स को छोड़ सकते हैं। ये कार्टेज पेपर है, थोड़ा रफ पेपर है, इसलिए मैं थोड़ा चारकोल डस्ट का भी यूज़ करूँगा। चारकोल डस्ट से बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर हाइलाइट्स है आपको फ़ोटो को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जहाँ पर हाइलाइट्स है उसके हिसाब से आपको हाइलाइट्स देना पड़ेगा। और यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस हम पूरा का पूरा हेयर ड्राइंग पे करेंगे। मैंने थोड़े जगह से स्टार्ट किया है, बिकॉज मैंने फर्स्ट लेयर पूरा हेयर पे नहीं दिया है। बिकॉज आप जब हेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर देंगे, उसके बाद आप सेकेंड लेयर जब देने जाएंगे तब चारकोल फैल जाएगा। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े जगह से स्टार्ट किया है, उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ। मैं छोटे छोटे हिस्से से ड्राइंग स्टार्ट करूँगा, उसे कंप्लीट करूँगा, उसके बाद नीचे के लेयर में आऊँगा, नीचे आऊँगा, जिससे ऊपर के साइड में फिर से नहीं जाना पड़ेगा और चारकोल फैल भी नहीं जाएगा। इसी प्रोसेस में पूरा का पूरा हेयर ड्राइंग होगा। और मैंने जो हाईलाइट के लिए जो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ वो मोनो इरेजर नहीं है, बिकॉज मोनो इरेजर बहुत ही कॉस्टली आता है, आप जानते ही हैं। इसलिए मैंने नॉर्मल एक इरेजर यूज़ किया है। मैं वीडियो के एंड में बता दूँगा वो कौन सा इरेजर है। आप वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए और सीखिए कैसे कि रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं आप। देखिए वीडियो को, और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। बहुत ही मेहनत लगता है एक ड्राइंग बनाने में। इस ड्राइंग को बनाने में मुझे 8 घंटे लगे थे, इसलिए मैंने रियल टाइम में नहीं अपलोड कर सकता। मुझे माफ़ कर देना, मैं रियल टाइम नहीं अपलोड कर सका। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आई होप आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वीडियो की मदद से।
आपको बाहर की तरफ जो हेयर निकले हुए रहते हैं उसको भी ड्राइंग करना पड़ेगा, बिकॉज उससे ही आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगा। उसे भी ड्राइंग करने के बाद एक ब्लेंडिंग कीजिए ब्रश से। मैंने यहाँ पर जो ब्रश की यूज़ किया है उसे मेकअप ब्रश कहते हैं, आप चाहे तो किसी भी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। और मैंने बताया था मैंने जिस इरेज़र का यूज़ किया है मैं बताऊंगा, यह है अप्सरा का मैक्नो इरेज़र। आप पीछे से प्रेस करेंगे ये भी बाहर आएगा, बट ये इसका प्राइस और मोनो इरेज़र प्राइस का बहुत ही डिफरेंस है। ये इसका लीड थोड़ा मोटा होता है जो हाईलाइट के वक्त बहुत ही मुश्किल होता है, इरेज होता है बहुत ही अच्छे से। आप इसे ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन से भी परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक रबर को काट लिया है, उससे भी आप हाईलाइट दे सकते हैं। उसके कॉर्नर के साइड से आप हाईलाइट्स दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जब हाईलाइट मोटा माने बाहर चला जाए, हाईलाइट थोड़ा सा मोटा हो जाए, उसके बाद आप हार्ड चारकोल पेंसिल नॉर्मल चारकोल पेंसिल लीजिए, उससे जो हाईलाइट्स आप दे चुके हैं उसके मिडिल से एक लाइन खींच दीजिए, उससे आपका हाईलाइट्स पतला हो जाएगा। सो आपका हाईलाइट्स पतला हो जाएगा और हेयर ड्राइंग बहुत ही सुंदर होगा, आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।